सीबीएसई 10वीं व 12वीं में शहर के आरपीएस स्कूल मकनपुर शाखा का 100% रिजल्ट रहा, जिसमें 10वीं में अर्पिता कुमारी ने 98% अंक लाकर स्कूल में टॉप किया। वहीं दूसरे स्थान पर रिया राज को 96.4% अंक मिले तो तृतीय स्थान पर अमन सिंह को 96.2% अंक मिले। तो आरपीएस स्कूल कचहरी रोड शाखा में 10वीं में अनुभव राज को 98% अंक मिले तो द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा आस्था वर्मा 97.4% अंक मिले। तृतीय स्थान पर श्रेया सिन्हा को 97% अंक मिले। वहीं 12वीं में आरपीएस स्कूल कचहरी रोड शाखा में प्रथम स्थान शुभांगी राज को 96.04%, द्वितीय स्थान पर उत्कर्ष राज 95.4% और वहीं तृतीय स्थान पर सत्यम जो कि 91.8% अंक से विजय हुए। वहीं आरपीएस स्कूल मकनपुर शाखा में 12वीं के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र शुभम कुमार 91.6% अंक मिले। द्वितीय स्थान पर मोहित राज को 91 अंक मिले और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा स्मिता रानी को 88% अंक मिले। जबकि कचहरी रोड शाखा से 108 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया, जिसमें 108 छात्र छात्राएं पास है। वहीं आरपीएस मकनपुर में 47 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया था, जिसमें 47 छात्र छात्राएं पास है। 10वीं और 12वीं में 100% परिणाम रहा आरपीएस स्कूल का। इस बेहतर परिणाम को लेकर स्कूल के निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अच्छा, आज 12th के रिजल्ट जारी हुए, कितना मार्क्स आया आपका? 96.4%। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे जो बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल एग्जाम देंगे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो सेल्फ स्टडी और कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? शुभांगी। फादर क्या करते हैं? बिजनेसमैन। ठीक। सौरव कुमार, क्या किस क्लास में तुम आज एग्जाम पास हुए हो? क्लास 10th बोर्ड्स। 10th में। अच्छा, कितना मार्क्स आया था? 90.2%। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हो? बिहार, अमेर मोहदी नगर। अच्छा, क्या करते हैं पापा? पापा चलो, डायरेक्टर को क्या कहना चाहोगे? सबका इक्वली सपोर्ट रहता है, सबसे पहले पेरेंट्स का, उसके बाद टीचर्स का। टीचर्स और पेरेंट्स जब साथ मिलते हैं तभी अच्छे परसेंट आते हैं, एंड टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो अच्छे मार्क्स आने को बनते हैं। अच्छा, क्या बनना चाहोगे आगे चलकर? एक्चुअली मेरा अभी फर्स्ट एम है कि मैं IIT क्रैक करूं, सो उसके लिए मुझे JEE का एडवांस का पेपर क्लियर करना होगा। ठीक है, थैंक यू। आज इसका रिजल्ट निकला है? आज CBSE 10th और 12th बोर्ड का निकला है। अच्छा, तो किस क्या चीज़ में पास की हो? 12th CBSE बोर्ड। अच्छा, कितना मार्क्स आया है? 83%। कहाँ से एग्ज़ाम दिए थे? RPS में पास हुए, बट एग्ज़ाम हमारा सेंटर जो है वो DAV गया था, DAV स्कूल। कितना मार्क्स आया था? 83%। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा कोर्ट में रीडर हैं, यहाँ सिविल कोर्ट में। तो किनको धन्यवाद देना चाहोंगे आज इतना मार्क्स आया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स, देन आफ्टर टीचर्स, देन आफ्टर स्कूल। और सब बच्चों का क्या कहना चाहोगे जो पढ़ते हैं यहाँ पर, उन लोगों का क्या, जो मेहनत करते हैं अगले एग्जाम देंगे, उनको क्या कहना चाहोगे उसके लिए? बस मन लगा के सब पढ़ें अच्छे से और स्कूल का नाम रोशन करें, पेरेंट्स का नाम रोशन करें। क्या नाम है तुम्हारा? दीक्षा। पास क्या चीज़ में हुई हो? आज CBSE 10th का रिजल्ट निकला है और क्लास 10th का रिजल्ट में मेरा पास। क्या नाम है तुम्हारा? अर्पिता। कितना मार्क्स आया है? 98%। अच्छा, किनको धन्यवाद देना चाहोगे? सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को और फिर मेरे स्कूल के टीचर्स को। अच्छा, उन बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बस सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। थैंक यू। मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और यह जानकारी देना चाहूँगा कि आज CBSE रिजल्ट जारी कर दिया है। क्लास 12 का रिजल्ट पहले आया और उसके 3 घंटे के बाद क्लास 10 का रिजल्ट आ गया है। और इनफैक्ट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, सेशन बाय सेशन आरपीएससी से बच्चों ने अपना जलवा बरकरार रखा है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। क्लास 12 में हमारे बच्चों ने 96.4% के साथ कॉमर्स में टॉपर हुए हैं और उसके अतिरिक्त साइंस के टॉपर का 95.4% है। एंड ओवरऑल आरपीएस कचहरी में हमारे टोटल जो 90% से 100% स्टूडेंट्स हैं वो 5 बच्चों का आया है 12 में। और आरपीएस मकनपुर में भी
हमारे जो बच्चे थे उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, 92% मार्क्स के साथ साइंस में टॉपर हैं मगरपुर के बच्चे, और टोटल बच्चे 47 अपीयर थे, 47 पास किए हैं, जिसमें कि तीन बच्चे का 90-100% है। तो आप कह सकते हैं दोनों ब्रांच मिलाकर हमारे 8 बच्चे 90 एवब हैं, जो कि हर साल की तुलना में हमारा परसेंटेज हर साल बढ़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से 12 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ, उनके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ, सारे टीचर्स को बधाई देता हूँ जिन्होंने इन बच्चों को रेगुलर क्लास लिया है। और इसी बीच क्लास 10 का रिजल्ट हमारे बीच आ चुका है, और क्लास 10 में भी RPS के बच्चों ने अपनी जो पोजीशन है, अपना रिजल्ट है, अपना करिश्मा बरकरार रखा है। और मैं बताना चाहूँगा कि RPS कचहरी का रिजल्ट मैं पहले बताना चाहूँगा। अनुभव राज जिनका 98% मार्क्स है, ये पूरी स्कूल में टॉपर हुए हैं, और उसके बाद सेकेंड टॉपर 97.4%, थर्ड टॉपर 97%, फोर्थ टॉपर इज ऑल्सो 97%, यानी कि थर्ड पे दो दो बच्चे हैं, और फिफ्थ पोजीशन पे 96.2 हैं। टोटल हमारे 209 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें कि एक बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया, टोटल 208, जिसमें कि सारे बच्चे हमारे पास कर चुके हैं, और 90 से 100% के बीच करीब 40 बच्चों ने अपना जलवा बरकरार रखा है। और मैं यह बताते खुशी अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे 4 बच्चों ने मैथ में 100 out of 100 लाया है, क्योंकि CBSE से ऐसे बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 100% मार्क्स लाने के लिए एक्सेलेंट अवार्ड भी दिया जाता है। और अब मैं आपको RPS मकनपुर के बच्चे बताना चाहूँगा। RPS मकनपुर में अर्पिता कुमारी 98% के साथ फर्स्ट पोजीशन पे हैं, और रिया राज आर्यन 96.4% सेकेंड पोजीशन, अमन सिंह 96.2% एंड रिशु रोशन 95.8% एंड आरवी गुप्ता 95.4%। वहाँ टोटल 146 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें कि सारे के सारे बच्चे पास हुए हैं, और 26 बच्चों का 98 मार्क्स आया है, और दो हमारे बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, जिनका मैथ में 100 में 100 अंक आया है। तो टोटल हमारे पास जो बच्चों की संख्या हो रही है काफ़ी अच्छा रहे हैं, और 100% रिजल्ट RPS के बच्चों ने दिया है, 10th में भी 12th में भी, और हमारा पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। मैं फिर से न सिर्फ क्लास 12 बल्कि क्लास 10 के बच्चों को भी, जो कि टॉपर्स आए हैं जिन्होंने पास किया, उन सभी को बधाई देना चाहूँगा, और बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो भी परसेंटेज बच्चों के आए हैं उनकी मेहनत का नतीजा है। हम सभी टीचर बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन ये क्रेडिट हमारे पेरेंट्स को भी जाता है कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया बच्चों के साथ, हमारे टीचर्स को भी जाता है, और मैं एज ए डायरेक्टर एज ए प्रिंसिपल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नालंदा के अभिभावक जिन्होंने हम पर विश्वास बनाया है उस विश्वास को बनाए रखें। जिस तरह से हमारे लास्ट ईयर का रिजल्ट और इस साल रिजल्ट में काफ़ी अंतर है, मैं कोशिश करूँगा कि 2024 का रिजल्ट हमारा और बेहतर हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग एक एक्सेलेंट अवार्ड और अचीवर अवार्ड भी देने जा रहे हैं 20 मई को, और हमारी कोशिश होगी कि हम लोग उसमें एक गणमान्य व्यक्ति को बनाए, और हमारे सारे बच्चे जो प्रत्येक क्लास के टॉपर्स भी हैं और अचीवर भी है, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में है, सिविल सर्वेंट हैं, IPS हैं, उन सबको मैं फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से इन्वाइट कर रहा हूं। और 20 तारीख हमारी गाला रिकॉर्डिंग होगी, गाला प्रोग्राम होगी, जिसमें आप सभी को मैं आमंत्रित करूँगा, और सोमवार से मैं इसकी तैयारी में लग जाऊँगा। आप देख रहे हैं कि हमारे आज PTM भी हमारे यहाँ रखी गई है, और हमारी इतनी सफलता को मैं अपने पेरेंट्स के बीच में रखना चाहूँगा। एक बार पुनः मैं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, और उनसे यही कहूंगा 10th के बाद 12th के बाद उन्हें अपने करियर के प्रति और गंभीर होना पड़ेगा, और सही स्ट्रीम को सिलेक्शन करना होगा। बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट का चॉइस करें और हायर स्टडीज़ के लिए आगे जाएं। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।